जो आपको दिख रहा है ये टाटा का जो गैंट्री लगा हुआ था डिसमेंटल हो रहा है, इसका मतलब जो ईस्ट वेस्ट लाइन थी वो काफ़ी कंप्लीट हो रही है और गैंट्री का काम जो है, मतलब जो ये सेगमेंट्स हैं वायाडक्ट के, वो ख़त्म हो रहे हैं उनका काम। तो देखते हैं आगे चल के कि क्या है, कहाँ तक पहुँचा है। ये गैंट्री के कुछ सेक्शंस नीचे उतार के अनबोल्ट कर दिए हैं और खोल के रखे हुए हैं, इनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से ट्रक पे डाल के ले जाते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग के जो हैवी स्ट्रक्चर्स हैं उनका साइज़ भी डिटरमाइन करता है कि कितना बड़ा होना चाहिए, सेगमेंट का क्या साइज़ होना चाहिए। तो अवेलेबल जो इक्विपमेंट्स हैं, जो साइज़ हैं जिनको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसी पर डिसाइड कर पाएंगे कि कैसे कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ेगा। तो ये इसका गैंट्री का एक सेक्शन आप देख सकते हो कि एक ट्रक पे जा सकेगा, ऐसा रहता है। और अनबोल्ड करने के बाद ये ऐसा लगता है कितनी बड़ी गैंट्री थी जो अब आधी बची हुई है और आगे का भी डिसमेंटलिंग चालू हुआ हुआ है। ये इतना बड़ा क्रेन लगा हुआ है जो इसको नीचे उतारता है और वहाँ से डिसमेंटल होकर एक एक सेगमेंट को ये नीचे लेके आ रहे हैं। चलो थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या आगे नज़ारा है, कौन कौन से ट्रक इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कैसा हो रहा है। ये काफ़ी नज़दीक का व्यू है, ये गैंट्री का जो सेक्शन था जिससे ये पूरा बना हुआ था, सेगमेंट और वायाडक्ट का कंस्ट्रक्शन जो होल्ड करके रखता है और प्लेस करते हैं। तो ये इतनी बड़ी बड़ी स्टील प्लेट से बना हुआ है, देखिए आप, देखिए साइज़। कम से कम होगा तो 18 mm होगा ये। और ये इनसाइड व्यू दिख रहा है इसको कि कैसे इसको स्ट्रटिंग करके स्ट्रेंथनिंग किया हुआ है पूरे होलो सेक्शन को। और ये पूरे यहाँ सिस्टम ताम जाम है इसको उतारने का। ये पैरापेट इसकी बाकी है, कुछ पोर्शन में पीछे हुई है। ये वायाडक्ट नीचे से तो बहुत हेवी लग रहे हैं, जिजेंटिक लग रहे हैं, इतना हेवी स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखो आप कितना हेवी हेवी ये पिलर्स दिख रहे हैं, नीचे उतरते वक्त भी काफ़ी हेवी है। बाप रे बाप, कितना देखें, दूर से नहीं इतना बड़ा लगता लेकिन यहाँ से काफ़ी हेवी है ये स्ट्रक्चर। ये भैया उतार क्यों रहे हैं ऊपर से है? ये ऐसे तो ये कि तो बीच में बच गया, वो बीच में ऐसे डला ही नहीं है वायाडक्ट। हाँ, अच्छा लोखंड का गर्डर नदी में पूरा बन गया है क्या? लास्ट तक बन गया इधर से। अभी भी मेरे को लगता है आपको 2-3 महीने तो रहना पड़ेगा इधर, इतना तो रहना पड़ेगा। कहाँ से आए हो? पंजाब के हो? अरे बाप रे, काफी लोग तो यहीं के होंगे ना। और ये क्या है, ये जो निकला हुआ है, जो पोर्शन है, ये जो निकला हुआ है ना, ये बाहर है। हाँ, बाय चांस अभी जो नदी कर देंगे ना। हाँ, जो कर देंगे बाय चांस तो खराबी हो भी आ गया इसके नीचे, तो इंस्पेक्शन के लिए है क्या? लैंडिंग जैसा होगा। तो ये टाटा का काम पूरा हो गया था, आगे तो एलएनटी का है। तो वो अंडरग्राउंड चालू हो गया ना, काफी दूर तक तो चला गया अंदर से। आप गए क्या अंदर? उसमें अंदर घुसे क्या? यार मुझे तो घुसने नहीं दिया, मैं एक दिन गया तो आप लोग तो जो काम करता है ना। हाँ, उसी जो मतलब चला पाएंगे क्या ये भाई साहब साइकिल? मुझे डर लग रहा है। अरे बाबा, ले गए ले गए ले गए ले गए ले गए साइकिल ले गए। ये वाला सेक्शन बनने में काफ़ी टाइम लग गया है। ये बाजू वाली बिल्डिंग है जो देखो आप, करीब करीब 18 फ्लोर की है, वो बन गई। जब मैं पहला वीडियो पोस्ट किया था तब ये 3rd 4th फ्लोर पे था कंस्ट्रक्शन, और अब
ऊपर टॉप फ्लोर पे पहुंच चुका है, कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट इसका। ये बिल्कुल ही सट के बन रही है इससे, और यहाँ तक ट्रैक आ गया है। तो अभी मानो कि आगे कितना काम बाकी है, भगवान जाने। कम से कम 6 महीने तो आप मान के चलो कि हमें ट्रैक देखने में लग ही जाएंगे। ट्रेन जो मेट्रो इस पर दौड़ेगी तब तक 2022 तक हो सकता है कि मिल जाए। तो आज बस ख़त्म करते हैं वीडियो को यहीं पे। चलिए,